तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 20,000 रुपीज के बजट रेंज में आने वाले टॉप 4 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स के बारे में। बिकॉज रिसेंट कुछ टाइम से इस ब्रांड ने इंडिया में काफी अच्छा काम करा है और ये मेनली अपने वैल्यू फॉर मनी और अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए जाना जाता है, जो कि बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिलता है। तो अगर आप भी एक बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हो और कंफ्यूज हो कि अभी आपको 20,000 रुपीज की बजट रेंज में कौन से मोटोरोला स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो एज 40 नियो 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको आराम से 21-22,000 रुपीज की बजट रेंज में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 20,000 रुपीज से थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल का इंतजार करके इस स्मार्टफोन को आराम से 20,000 रुपीज की बजट रेंज में खरीद सकते हैं। बिकॉज ये स्मार्टफोन इस बजट में भी IP68 रेटिंग के साथ देखने को मिलता है, सो यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक बढ़िया सा मोटोरोला का स्मार्टफोन बाय करना है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ही वर्क करता है। एंड वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस के लिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का तो एक 2.5 GHz पर क्लॉक पावरफुल ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम सपोर्ट एंड 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 68W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सो आपको जो स्मार्टफोन है लगभग 30 से 40 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.55 इंचेस की एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 402 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 39 इंच तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है एंड एक कर्व डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि इस बजट में बहुत ही कम स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि कर्व डिस्प्ले डिजाइन के साथ आते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस बजट के शायद ही किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिले। सो बजट रेंज के अकॉर्डिंग बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 13MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट, और आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30fps पर अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 32MP का एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन में। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन जो हमने रखा है वो उन लोगों के लिए रखा है जिनका जो बजट है 18-19,000 रुपीज तक है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफी तगड़े लेवल वाले देखने को मिल जाते हैं। तो डिटेल्स अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है ये भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ही वर्क करता है, बिकॉज ये मोटोरोला की तरफ से अभी लेटेस्ट लॉन्च करा गया है। एंड वहीं अगर परफॉर्मेंस के तौर पर अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 2.2GHz पर क्लॉक ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 12GB तक की रैम सपोर्ट एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आपको 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 30W का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.55 इंचेस की एक POLED पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर भी आपको 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर भी कंटेंट क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे। इसके बाद एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50+8MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजिली फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सामने की तरफ भी आपको 16MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और थर्ड नंबर पे हमने रखा है
मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो जी 54 5G स्मार्टफोन। और ये फोन जो है ये आपको 15,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो जिनका जो बजट है 15,000 के अंडर में चला जाता है और वो लोग भी मोटोरोला का एक बढ़िया सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो वो लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर डिटेल से बात करी जाए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7020 का 2.2 GHz पर क्लॉक ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 8GB रैम सपोर्ट एंड 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वहीं पर अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर भी 6.5 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी पर वर्क करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बजट में HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 120Hz की रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो बजट रेंज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50+8 MP का एक डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। सो यहाँ पर आपको इस बजट में भी OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड आप इस कैमरा सेटअप के साथ भी मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 16MP का एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से लॉन्च मोटो G73 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन आपको 19,000 या फिर 18,000 रुपीज की बजट रेंज में देखने को मिल जाएगा तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये जो स्मार्टफोन है ये भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ही वर्क करता है। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.5 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको जब भी आप इस स्मार्टफोन में कुछ भी यूज करोगे तब आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। इसके बाद वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस को लेकर तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 930 का एक 2.2 GHz पर क्लॉक्ड ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 8GB रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी के साथ देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 30 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद वहीं पे अगर बात करें एट द एंड इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। और आप इस कैमरा सेटअप के साथ इजीली 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं आपको सामने की तरफ भी 16MP का एक काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफी कमाल के देखने को मिलते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो। सो ये रहे टॉप 4 मोटोरोला स्मार्टफोन जो कि आपको 20,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट या फिर अपने चॉइस के अनुसार से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।